जी आया नू, मेरे YouTube चैनल ताड़ा स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बॉम्बे का फेमस स्ट्रीट फूड रगड़ा पैटी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा होता है और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है। वैसे मेरी यही वो होती है कि आपके साथ शेयर करूँ ऐसी रेसिपीज जिनके लिए हमें ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा ना करना पड़े, जो घर पे पड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हम इसको बना सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बॉम्बे का फेमस स्ट्रीट फूड रगड़ा पैटी। मैंने सफेद मटर जो है पूरी रात भिगो के रखे हैं, इसको मतलब 10 घंटे हो गए हैं भिगे हुए। अब मैंने इनको वॉश करके कुकर में डाल लिया, ये देखो ये काफी फूल भी गए हैं। अब मैं इसमें पानी डाल लूंगी। पानी हमें इतना डालना है कि जो हमारे सारे मटर हैं वो पूरे सोक हो जाएं और थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो पानी का ऊपर हो जाए। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना इसमें, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो आप देख पा रहे होगे कि पानी का जो लेवल है थोड़ा सा ही ऊपर है। इसी में मैं एक टेबलस्पून के अराउंड नमक ऐड कर दूंगी। अब मैं ढक्कन बंद करके दो विसल आने तक इसको पकाऊंगी। दो विसल आ जाएंगी उसके बाद इसका जो फ्लेम है मैं लो कर दूंगी और 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। अरे इसकी स्टीम भी रिलीज हो गई है, अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से मटर जो हैं वो पक गए हैं। ना मैंने इसमें मीठा सोडा डाला, कुछ भी नहीं डाला, उसके बाद भी ये एकदम सॉफ्ट है। अगर इसको 9-10 घंटे भिगो के रखा हो ना फिर बहुत ही अच्छे बनते हैं, फिर इसमें मीठा सोडा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी बन जाते हैं। चलो अब हम इसका तड़का शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल डाल लूंगी। ऑयल हमें ना ज्यादा नहीं डालना है, एक सर्विस स्पून के करीब ऑयल डाल लूंगी बस। जैसे ही ये गर्म हो जाता है इसमें मैंने ना दो बड़े साइज के प्याज हैं उनको ब्रीक ब्रीक काट लिया, वो मैं इसमें डाल दूंगी। बाकी जैसे मेरे ना आधा किलो मटर थे तो मैं उसके अकॉर्डिंग मटेरियल ले रही हूँ। अगर आपके कम या ज्यादा है आप अपना मटेरियल जो है उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इनको मैं हल्का सा सौते करूंगी, इसको मुझे ना ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो कई बार क्या होता है लोग कच्चे पक्के ही उनको सौते भी नहीं करते, ऐसे ही उसमें डाल के भी खा लेते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, पर ये ऐसे करके ना थोड़ा सा टेस्ट ना इन्हेंस हो जाता है। अरे प्याज ना मेरे को 1-2 मिनट हो गए हैं, हमें इसका बस थोड़ा सा कच्चापन ही निकालना था। अब मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर ले लिए हैं, उनको भी मैंने छिलका उतार के ना बारीक बारीक चॉप कर लिया। इसको भी हम इसी के साथ सौते कर लेंगे। इसमें मैं ना नमक डाल दूंगी क्योंकि हमारे टमाटर जो है तभी थोड़े सॉफ्ट होंगे। मैंने मटरों में भी ना 1 टेबलस्पून नमक डाला था, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही नमक इसमें डालोगे। मैं खाली प्याज टमाटर का ही नमक डाल लूंगी। 1 टेबलस्पून के अराउंड मैंने नमक डाल दिया है और लाल मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। जैसे मैंने 1/2 टेबलस्पून डाल दिया लाल मिर्च, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ मैंने 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये ऑप्शनल है अगर आप खाना चाहते हो, जैसे कई होते हैं नहीं इतना तीखा खाना पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बस इसको हम थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं उसके बाद फिर हम मटर ऐड कर देंगे इसमें। तो हमारे टमाटर भी ना सॉफ्ट हो गए हैं, 1-1/2 मिनट मेरे को हो गया। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी। अब मैं फ्लेम जो है लो कर रही हूँ, अब मैं इसमें सारे मटर ऐड कर दूंगी।
फ्लेम जो है फुल कर रही हूँ। मैंने सारे मटर इसमें ऐड कर दिए हैं, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तो वैसे खाली अगर मटर भी बनाओ ना तो वो भी इतने टेस्टी लगते हैं। तो इसको कुलचे के साथ भी खा सकते हो, इनको ऐसे भी खा सकते हो। अब हम इसको एक दो मिनट बॉईल करेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल तैयार है। क्योंकि इसको ज्यादा, वैसे तो ये पके ही हुए हैं, इनको मसाले के साथ थोड़ा सा हम बॉईल ले आएंगे। इसी में मैं हरा धनिया भी बारीक कटा हुआ है, इसमें हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है, इसको भी मैं इसी में ही मिक्स कर लूंगी। अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूं। अब जो हमारा रगड़ा है बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम पैटी की तैयारी करते हैं। पैटी के लिए मैंने 7 उबले हुए आलू ले लिए हैं, इनको मैं अच्छे से मैश कर लूंगी। मैंने आलू जो है मैश कर लिए हैं, अब मैं इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड कर रही हूं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी हरी मिर्च एडजस्ट कर सकते हो। इसी के साथ मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। नमक आप कितना मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। जैसे मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है, आधा टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूं मैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, पहले ऑयल लगा लूंगी, थोड़ा सा ऑयल लगा के ना, और छोटा सा पोर्शन लेके इस तरह हम पैटी बना लेंगे। अब इसको मैं ब्रेड क्रम पे सबसे कोट कर दूंगी सारी तरफ से ना, इस तरह। अब मैं तवे पे थोड़ा थोड़ा ब्रश से ऑयल लगा दूंगी, क्योंकि मैं इसको ना शैलो फ्राई कर रही हूं। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, वो तो अपना टेस्ट है। इस तरह से मैं दोनों पैटी रख दूंगी और इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हम ऑयल लगा देंगे। अब मैं दोनों तरफ से इसको गोल्डन कर लूंगी। अब मैं साइड चेंज कर रही हूं, इस साइड से थोड़ी पक गई है। अब थोड़ा थोड़ा ब्रश से मैं ऑयल लगा दूंगी। इस तरह को मैंने दोनों साइड से गोल्डन कर लिया। अब ये हमारी पैटी बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले हम नीचे रगड़ा डालेंगे इस तरह। अब इसके ऊपर पैटी रख देंगे, हरी चटनी लगा दूंगी। अगर आप मीठी चटनी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। मेरे बच्चे ना खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने हरी चटनी लगाई है। और लाल चटनी का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी और मैं थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर अब सेव डाल दूंगी। अब ये हमारी रगड़ा पैटी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। हाय गाइस, आई एम बैक। और बड़े दिनों से ना कुछ चटपटा खाने का दिल करता था, पता नहीं क्यों एक क्रेविंग होती है ना, जैसे कुछ चटपटा खाना है, कुछ स्ट्रीट फूड खाना है, उसका मन करता है अंदर से। तो बहुत मन कर रहा था तो मैंने मम्मा को ये सजेस्ट किया कि ये बनाओ, आज मम्मा ने बनाया है तो ट्राई करते हैं कैसा बना है। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। स्वाद आ गया, चटपटा खाने का जब मन करता है ना और ऐसी चीज खा लो दिल खुश हो जाता है बंदे का। इतना टेस्टी है ये, मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। तो रगड़ा तो मैंने बहुत बार खाया हुआ है, हमारे यहाँ पे भी बहुत मिलता है।
मेरा फेवरेट है। मुझे नहीं पता था टिक्की के साथ इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब एक पैटी के साथ इतना टेस्टी लगेगा, तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और हमारे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।